टीवी के सामने बैठल अपने माता जी लोग के, दीदी लोग के, भाई लोग के, बड़ बुजुर्गन के, सबका के हम मनोज तिवारी प्रणाम करत हनी। हमरा याद आ रहल बटे इतिहास के वो क्षण जौन पटना के गांधी मैदान में बनल रहे। पटना के गांधी मैदान में वो इतिहास जौन अचानक खोजत 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 के विजेता बनी उत्तर प्रदेश की बिहार, अचानक थम गई, टाई हो गई। सारी दुनिया की टकटकी लागा रहे, सब कोई अपने अपने टीवी के सामने ठिठक गई रहे, हमू ठिठक रही मंच पे। लेकिन वो इतिहास खातिर आप लोगन के कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगन की। लेकिन जौने संग्राम के निर्णय न होके ओकरा के हमनी के मान के चलत नहीं जा कि निर्णय तक पहुँचे के बाटे, वही निर्णय के तलाश में कि उत्तर प्रदेश के सुर में ज्यादा दम या बिहार के सुर में ज्यादा दम, हमनी के एक बार फिर से डिसीजन ले ले बानी जा कि अब हमनी के शुरू करी जाई नेस्ले एवरीडे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। मचलबा सुर संग्राम, बनी के सुर के सिकंदर लेपे लहरिया मारी, दुनिया देखी सुर के लड़ाई के जीती के हारी, इके हूँ ना जाने के पाई श्रोता के प्यार हो। यूपी बाजी मारी की बाजी मारी बिहार हो, जेकर सुर सद जाई भैया, जेकर सुर सद जाई भैया, उए कमाई ना। मचल बासुर संग्राम भैया, मचल संग्राम के द्वितीय महायुद्ध खातिर संग्रामी खोजे बदे हमनी के सामने बड़ी चुनौती रहे। कैसे कल जाओ, कैसे खोज के लिए आवल जाओ, यह समुद्र मंथन में हमके अच्छा कलाकार कैसे मिली हैं? तो हमनी के दुगो टीम बना ली जाओ। अपने सुर संग्राम के म्यूजिक डायरेक्टर अजय और सतीश के दो भाग में बांटल गई। सतीश त्रिपाठी जी के बिहार के जिम्मा दहल गई। तो वो समय हम लोग बिहार के ओह सुर संग्रामी के भी चुननी जा जवन लखीसराय से आके बिहार के सिरमौर बनल रहे और 25 लाख रुपया के हकदार भी आलोक कुमार के। उत्तर प्रदेश खातिन अजय जी के संगे हमनी के ओह लड़का के भी चुननी जा जवन अपने फेरी वाले बाप और अपने गांव गांव सब्जी बेचे वाला माई के गौरव बन गेल मोहन राठौर के। शुरू हो गेल दोनों स्टेट में अपने अपने पूजा अर्चना के साथ सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध के शुभारंभ। भगवान भोलेनाथ के नगरी में माई गंगा का आरती से शुरू भेल ए महासंग्राम में यूपी का सफर। तब बिहार खातिर रांची में पहाड़ी बाबा के अर्चना से भइल शुरुआत। रांची में हमनी के आगमन भइल बा आइजा के सबसे पावन धरती, पावन जगह पहाड़ी बाबा शिव मंदिर के प्रांगण में। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के इंतजार, ऑडिशन के पहला शहर बाबा विश्वनाथ के दरबार। अगर आपके हम जज बना दी ना तो आप ये ऑडिशन से भाग के खड़ा हो जाए। जितना आंसू मिली, जितना फोन आई, जितना लेकिन के गुस्सा के भी सामना करे के पड़ सकेला, आप ही मत बोली कि हमने की ऑडिशन के ज्यादातर शहर उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ा सन। लेकिन जो हमनी के जज बाड़े उहो बहुत कटकरे जी, बहुत फौलादी, बहुत काम करके गए रहले। बनारस के का हाल भइल ये आपके सामने बटे। गेट के खुलते एकदम घमासान लड़ाई शुरू हो जाई।
हम यही लेकर के आए कि यहाँ से हम जीत करके जाए। हजारों हजार सपना के साथ शुरू भइल बनारस में स्वर परीक्षा। अरे मचलबा सुर संग्राम। आप लोग देखनी जा, जैसे कि सब लोग गेट के अंदर आ गए, गेट के बाहर सब लोग घाव में खड़ा रहे, हमरा अच्छा ना लगत रहे, सब लोग आ गए, भाई बहन सब लोग, जितने गवैया लोग माने सब लोग के फार्म मिल गई आ सब लोग फार्म भरत भी बाटे, लेकिन अब इंतजार केकर बाटे आप लोगों के बता दिया चाहता नहीं। हमारे बड़े सर श्री अजय सर जी आ जाए हैं, तब ओकरा बाद सुर के घमासान हमनी के शुरू हो जाई, जेकर हमनी के बेसब्री से इंतजार बाटे। देखी रहुआ सभे हमनी के सुर संग्राम के घमासान के लड़ाई शुरू होके जाता, अब देखल जाए प्रतिभागिन के जलवा। बोले कोयलिया घूम घूम के बरसन लागे बदरिया, रोम झोम के बरसन लागे बदरिया, रोम झोम के बरसन लागे बदरिया। आप चार बजाइए सर लोग का कहने हैं जी भैया, दूसरे राउंड खातिर हम सेलेक्ट बात है। देख ले पहला योद्धा बनारस से हमनी के सर जी चुनले हैं। बनारस के हजारों के भीड़ में पहले लड़का सेलेक्ट हो गई, मोहना बहुत खुश, फोन भी कर देलस, मनोज भैया पहले लड़का सेलेक्ट हो गई, हमनी के भी खुशी भइल, वाह रे तैयारी ऑडिशन के, पहला लड़का मुंबई खातिन आखिरी ऑडिशन खातिन रेडी तैयार सेलेक्ट, वाह रे बनारस, वाह रे बाबा विश्वनाथ। रांची में का भइल यो देखल जरूरी बा। नमस्कार प्रणाम गोर लगातनी हिंदुस्तान और रवा लवन के फिर से स्वागत करता नहीं सूर के सबसे बड़े संग्राम में जिसका नाम है नेशनल एवरीडे सूर संग्राम द्वितीय। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है, मैं झुमरी तिलैया से आई हूँ। रांची में आई हर प्रतिभागी का हौसला बढ़ा लें आलोक और रीमा। आज रांची शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है सूर संग्राम ऑडिशन के लिए। इस शो के म्यूजिक डायरेक्टर हमारे सतीश त्रिपाठी जी जो कि आने ही वाले हैं। आप अपने टीम के गुरु मंत्र दे दिलवानी? हाँ दे आई नीजा। अच्छा हमार पांच धुरंधर अब तैयार बानी जा बाहर में हा। तो हमरो कम नहीं खे, हमरो भी पांच लड़का एकदम टॉप बानी। मुझे आप पांचों पे गर्व है और मेरी नाक कभी मत कटवाइएगा। इस बार नारी शक्ति ही जीतेगी सुर संग्राम। बोले जय बिहार, जय झारखंड, जय बिहार। आशुतोष सोचे सोचे जिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो। मोरी करी जवामी पीर हाय राम कई रे हरियोरिया। चलो थैंक यू नेक्स्ट। फैशन सजा के भौजी काल गुलाबी चाल सराबी मई हुआ तानी तू दीदा सका दिया सैया मत जा तू सूते तलानी में अगिया लागल बा हमरी जवानी में। नेक्स्ट। बैठ के सुनेली फिल्म गाना सैया भावे तहां मोरे होठवा से नथुनिया गुलेल करेला जैसे नागिन से सपेरा अटखेल करेला। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम विनीत सिंह हुआ भैया। विनीत सिंह कहाँ से आए आप? हम आरा से आए भैया। आरा से जी। काल गुलाबी चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से। जो सेकंड राउंड में आओ तुम दो चार गाना तैयार करके। ये है मेरी एक छोटी सी बहन है रांची की, मैं इसे पहचानती हूँ, इसका नाम खुशबू है और ये बहुत डरी हुई है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से गाना। और तुम क्या सुनाने वाली हो आज? सोच रही हूँ कजरी सुनाऊं। मोरे राजा की बढ़िया खोल रस के बूनी पड़े हो मोरे राजा की बढ़िया खोल। सेकंड राउंड में ठीक है? ओके सर। जी सर प्रणाम। आप देखती हैं ये पूरा? जी सर। भोजपुरी अवेला बोले
थोड़ा बहुत भोजपुरी गा तो लेती है ना, चलिए सुनाइए गाना। जाए नौकरी पाभी से ना कहीं ये बलाब जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलाब जी, घरे छुट्टी लेके औरी कुछ दिन रहिए बलाब। आलोक एक मिनट जरा, आलोक सुसंग्राम पार्ट वन में ऑडिशन लिया था हमने। जी जी। हम लोग को कैसे सिंगर की तलाश थी, सहमत हो ना इन चीजों से? जी जी जी। एक्चुअली ऐसी वॉइस की जरूरत है जो कि सुर में हो। जब ये गा रहे थे तो मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा था कि लगाएं सुर के तान सुनी सारा जहां, जीत के जाए लड़की है सुर संग्राम। रिमा जी आप तो बहुत खुश हैं कि हाँ, हमारे चार पार्टिसिपेंट जो सिलेक्शन हो चुकी हैं। जी जी। तो आप ये दावे के साथ कैसे कर सकते हैं कि ये चारों सिलेक्शन हो चुकी हैं? ये अभी तो ये फर्स्ट राउंड चल रहा है और मेरे भी फर्स्ट राउंड के तीन तीन लड़के सिलेक्शन हो गए हैं। चला था लेकिन अभी देखा सबसे ज्यादा तो लड़कियां जीत रही हैं। तो तीन लड़के तो मेरे भी हैं फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन, ये आप दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? सब पीछे चल रहे हैं एक से पीछे। तो पूरा पहले तो पूरा ऑडिशन तो होने दीजिए ना, सुर संग्राम में कैसे लड़कियां भारी पड़ रही है। कहां कोई जीतला रांची के ऑडिशन में आलोक कुमार और रीमा लड़ गई ले। रीमा आपके याद हुई वो लड़की जो ना कि हमनी के सुर संग्राम के मंच पे फिर से विवाह करौले रहनी जा। हालांकि दोनों के उद्देश्य बिहार खातिन महासंग्रामी महायोद्धा खोजे खातिन रहे और जिंगा नारी शक्ति से आलोक कुमार के लड़े के पड़ल जवन भी भइल होके भले हारे के पड़ल होके एक ही दिन दोनों चल रहा बाटे बनारस में। देखी का हाल चल बा हरे आपन कहानी पे फिल्म बना के ये जी चली ना बनो ले बाड़े। नेक्स्ट राती में नहीं नहीं दुकान में सोए बाड़े। गाना सीखेंगे जेठ के दोपहरे घाम में जनता जमी घूमे खातिर गाड़ी हीरो हुंडा खोजली ओ जब से चढ़ल ओ जब से चढ़ल बा जवानी मोचा मुंडा खोजली। वैसे भी बनारस भूत भावन महादेव भोले बाबा के नगरी है तेजिंगा कुल कला वीर भी न कुछ विचित्र विचित्र आवेले। पिछले बार जब हमनी के गए रहनी जा ते को लड़का आए रहे उस शुरू कैलस तो ऐसा लागे कि आटा चक्की चले लागल। अरे अपना मशीनिया में पीस दी चुचकलवा गलावा सजावे लो क्रीम से, चुचकलवा गलावा सजावे लो क्रीम से, जिया ता मुहाल करी करे, जिया ला मुहाल करी करे, कि आँख मरतिया किस दे करे। बनारस के ऑडिशन में कुछ ऐसन कला भी रही ले जेकरा देख के ही हमनी के अपने कार्यक्रम के प्रति बहुत सम्मान बढ़े लागल। खुदे जोन माइक नहीं पकड़ सकेले लेकिन माइक पकड़ रहल बाड़े, जे खड़ा नहीं हो सकेले वो कैसे गा रहल बाड़े ये हमनी खातिर नहीं आप लोगन खातिर भी बहुत अच्छा चीज बाटे देखे खातिर। प्रतिभाएं कभी विकलांगता का मोहताज नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी काम हो सकता है। बहुत खुश नसीब होगा अगर इसमें मैं जीत जाऊंगा तो अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है, मैं प्रॉपर एमपी रीवा से बिलोंग करता हूं। सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है खुशी होगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे लगेगा कि धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही है, एक अच्छी अनुभूति होगी। केहू का बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर,
रघुवीर जी सर, आप 4 बजे आइए। साइकिल से जाला है गो लड़का दीवाना, साइकिल से जाला है गो लड़का दीवाना, देखी के लोई की के गावे लगाना, घंटी मारे लहुआ घंटी मारे लहुआ तवाही लाइके। इस बार तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। वह कह रहे कि ठीक गा रहे हैं, आगे ले हो जाएगा, अभी सीखिए। उम्मीद लेकर आए थे कि हो जाता तो अच्छा रहता। ताज गर्दा मची, अगर जाओ सहयोग रही तो जरूर मची, जाके पूरा गर्दा उखाड़ दी। दिल शीशा नियर हमरो चकनाचूर हो गई। उस छोटे शरीर में बहुत कुछ है आपके, तो इसलिए आप 4 बजे दोबारा आइए। बनारस में आयल सुर के ऐसन वीरन के हम करत बनी सलाम। बनारस में खोजा रहल बड़े उत्तर प्रदेश के शान, और बिहार में झारखंड में रांची में चुनल जा रहल बड़े बिहार के आन। फैसला का होई महायुद्ध, जे कल सेना बन के आई रहे आज सेनापति बन गेल बा। मोहन राठौर और आलोक कुमार अपने अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के टीम कितना मजबूत होके एकरा खातिर बहुत परेशान बाड़ल सन। कबो बाहर जाके अपने चुनाव अपने योद्धा लोगन के मनोबल बढ़ा रहल बड़े, कभी टिप्स भी दे रहल बड़े। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा सिंह है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैंने पहली बार ऑडिशन आके दे रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे झारखंड में कितनी सारी नारियां जो घर में काम करती है वो आई है ऑडिशन देने के लिए। जय हिंद जय भारत। आप ये भोजपुरी गाना कब से स्टार्ट किए हैं गाने के लिए? बचपन से भोजपुरी का हमें शौक रहे, भोजपुरी हिंदी, वैसे तो भोजपुरी हिंदी पंजाबी सब शौक रहे। क्या मतलब? गाना गाए। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा। अगर थोड़ा सा रवा होके अगर आई तो हमने कहते बहुत बढ़िया रही। मैं जब बचपन में खेल रहा था तो मैं छत से गिर गया नीचे, और उसी के दरमियान मेरा ये पैर ख़त्म हो गया। धरती पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमको संगीत से ज़्यादा प्यारा लगे। हो रही से भाई ना तो कान में बहनिया आई गई ली हो ले बैठी। भोजपुरी फिल्म का गाना याद बो कोनो निखे यार। आज मैं फेल हो गया तो क्या, लेकिन अगली बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। कौन सा गीत तुम गाने वाली हो? सासु बीड़ी ससुर गांजा देवर पीला भांग। थैंक यू, थैंक यू। आज इस सुर संग्राम के ऑडिशन में मुझे ये कंटेस्टेंट को देखकर मुझे अपने याद आ गई, इन्होंने इनके हाथ में भी एक छोटा सा बच्चा है और ये भी ऑडिशन देने के लिए आई हैं। चलिए धन्यवाद मैडम, सुनाइए। राते बलमवा दिहले गाड़ी हो तरकारी के बिना। Next. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा सिंह है। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए ननदी पियरा जरादा। अंगूरी में डसले बिया। चलिए धन्यवाद शरद, शरद धन्यवाद जी। चलिए एक गाना और गा लीजिए। गई ओ गोरी चोरी चोरी, ओ गोरी चोरी छुपे, ओ गोरी चोरी चोरी, मिलल देखा ठीक नहीं खे। थैंक यू, चलिए धन्यवाद शरद।
मुझे शिकायत ये है कि अगर मैं पूरा एक पैराग्राफ गाती, चाहे दो लाइन भी अगर मैं गाती, फिर वो बोलते कि स्टॉप, कि तो मुझे भी लगता है कि मैंने अच्छा नहीं गाया। अभी मैंने बस दो शब्द बोला था बस, तो बोल दिए थैंक यू धन्यवाद, ये तो कोई बात नहीं है, सुन तो लें। एक बहुत बड़ी शिकायत रहे हमनी के ऑडिशन में, जो हमरो सुने के पड़ेला कि भैया जैसे ही शुरू कर ली तले नेक्स्ट। देखी यहाँ के भीतर गौली तीन गाना, बाहर कहता नहीं कि हमरा के दुए शब्द गावे के मौका मिलल। ऐसा बनारसों में हो रहा बा। बनारस का ऑडिशन चलल दो दिन, लेकिन प्रतिभागियन के उत्साह जस का तस रहे। कैसे जाई बहरा घूमे, कैसे जाई बहरा घूमे, करन कौन करवाई दीदिया। हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम मुंबई जाएंगे और सुर संग्राम में विजयी होंगे। अगर इस मंच में चांस हमें मिल जाएगा ना, तो हम बहुत ही करारा जवाब देंगे सभी को और बिहार वाले को। यही भीड़ में मिलनी मंगला सलोनी। आप अगर सुर संग्राम के फाइनल ऑडिशन तक आएंगी तो हम लोग का प्रोग्राम अच्छा बन जाएगा आपके आने से। नेक्स्ट। मेरा नाम ब्रिजेश पांडे है, मऊ से आया हूँ। कई के बहाना चले गईला परदेसवा, असपरे न हमसे है साझ के बेगारी निबही न ढेर दिन। अभी आपको सीखने की बहुत जरूरत है, अगर आपको गाना है तो आप कहीं भी सीखिए, ठीक है? आवाज आपकी अच्छी है, आप गाना सीखिए। नेक्स्ट। फिलहाल तो तुम थर्ड राउंड में आ रहे हो। के हम ना रह भी है सैया, अरे है साही साही ससतिया सुरतिया दिल में। क्या हुआ लाल शर्ट वाले को, क्या हो गया? क्या अपने आप को बहुत बड़े गवैया समझते हो क्या तुम? नहीं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? बस थोड़ा सा बात करने के लिए गया। तुमको यहाँ सुना गया कि नहीं सुना गया ये बताओ? सुना गया है। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? ये सुर संग्राम है, सुरों का। नहीं नहीं, अब तुम हमको सिखाओगे सुर? अगर आप गाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं इस लाइन में, तो अच्छे गुरु को पकड़िए और उनसे सीखिए, और यहाँ सुर के बारे में आप बात मत करिए। ऊपर वाला देख रहा है ना, बस ठीक है। मैं स्केल में गाया हूँ, कोई दे रहा है दूसरा स्केल दे रहा है तो कोई तीसरा से गा रहा है, कोई तीसरा स्केल दे रहा है तो कोई दूसरे से गा रहा है। हम लोग पागल है क्या? हम लोग हैं। अब तक जज के भी रहे जरूरत शांति की। शुक्रवार हा आज शुक्रवार हा, शुक्रवार हा आज शुक्रवार हा, शुक्रवार तो हा। हमरा ही गाना गावे की आदत भी बाटे, कहे कि जहिया एलिमिनेशन होला हम अक्सर ही गाना गावे लागिला। आज भी कुछ लोग एलिमिनेट होई, कुछ लोग की आवाज बोल जाई, कुछ लोगन के स्वर उनकर किस्मत खो जाई। ऐसन फैसला के घड़ी में के हमनी के रांची और बनारस से अपन अपन किस्मत खोल लेलस मुंबई जाए खातिर आपके सामने बैठे। रिजल्ट आ चुका है।
विभा रानी एक स्टेप आगे आइए। सर मेरे में बहुत पोटेंशियल है, आई नो दैट, बस मैंने अभी जो फिलहाल जो गलती की है, मैंने गाना सिलेक्शन गलत किया है, अदरवाइज आई नो व्हाट आई एम। थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है, क्या लगता है अंकित? मैंने अपनी तरह से कोशिश पूरी की, अब लेकिन आप लोग जो चाहें तो हो सकता है। आपने कोशिश की और वो अच्छी कोशिश थी और आप सिलेक्ट हो। थैंक यू सर। आप सुर संग्राम में अगली बार और मेहनत करें और आए, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या लगता है व्यास? सर मैंने कोशिश की है। आपने कोशिश की और वो अच्छी कोशिश थी और आप सिलेक्ट हो गए। रघुबीर? सर मेरे हिसाब से तो ठीक ही होना चाहिए, बाकी आप सिलेक्ट हो गए। थैंक यू सर, बस आप सबका आशीर्वाद अगर रहेगा तो आगे कोशिश अच्छी ही होगी। क्या लगता है मंगला जी? सर मैंने भी अच्छी कोशिश की थी, अब बाकी आपके हाथ में है सर। नंदिनी क्या लगता है? सर मैं मंगला दी का शब्द कहना चाहूंगी। चलिए आपकी बात रखते हैं, मंगला को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, तुम भी आ रही हो। आप आ रहे हो। थैंक यू सर। क्या लगता है मुरली? मुरली बजेगी सुर संग्राम में इस बार? आप लोग बजवाएंगे तो जरूर बजेगी सर। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बजाने की कोशिश हम लोग करते हैं लेकिन फूंक नहीं निकलती उसमें से। कोशिश किया जाएगा कि बज जाए। बज जाए, चलो तुम्हारी मुरली बजेगी। आप लोग को बस केवल एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग, संगीत सीखने की चीज़ है, आप लोग संगीत सीखिए। जो सेलेक्ट हुए और जो सेलेक्ट नहीं हुए सबके लिए ये बात है, आप सब सीखिए। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बोले हारा हारा महादेव। तका हुआ लोग भाई, तार का हाल बटे, बिहार के संभल ले रही है, यूपी एकदम गर्दा कबारे वाली बिया होश में रही है। रांची से चयन भइल 10 धुरंधरन की। रांची में नारी शक्ति जीत गई। हालांकि रीमा जब जब सुर संग्राम में रहे आलोक के छक्का छुड़ावत रहे, जे चुना गिल बटे ओकरा के संगे संगे वो शहर के भी बधाई, कहे कि हो सकेला कई शहर के खाते न खुले। और बधाई के साथ साथ अब आप लोग के बताए कि गया और बलिया में का भइल, लेकिन ओकरा से पहले लेवे छोटा सा युद्ध विराम। मचल बाटे घमासान चुना रहल बने उत्तर प्रदेश के शान, बिहार के आन, रउआ सब देख रहल बनी सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। हरे गया के माटी गह गह बाटे बलिया बाटे फुलाइल, असुर संग्रामिन के चक्कर में जज बाड़े झुराइल। अब त हर देख के मनोजवो के दिमाग गड़बड़ाइल बा, सुर के चक्र रचाइल बा, का होता बलिया में रवा सब खुद देख ली जा। इतिहास के हर संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले वाला बलिया ना रहल इस संग्राम में भी पीछे। मजा भौजी के नैहर भैया के ससुरारी सुर संग्राम। माँ सरस्वती के पूजा अर्चना से शुरू भइल स्वर परीक्षा। तरुआ सबे तैयार हो जाइंजा, युद्ध लड़े खातिर आइल बाटे। का हो भाई लोग?
कल्पना जी जैसा गाना चाहती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती हूँ। ए जी सुनी ना कलसा कीने जाई बजा। नेक्स्ट अपन गीत प्रस्तुत करनी जजलो के अच्छा लागल, लेकिन उम्मीद बा कि हाँ हम मेहनत कर ले बनी। भगवान चाहिए, माँ सरस्वती चाहिए, तुम जरूर निकलो। भौज परसा की बहुत अभिनव कसा संदीप वर्मा है बाड़ का मशीन हो रंजीत अकिया के लड़ते लड़ते हो दी। नेक्स्ट ना से पैदा बुलाई दा हो नजरा गई निगुइया नजरा गई निगुइया नजरा गई निगुइया दारारा। सुनती नहीं हो आप लोग गाना? आप लोग गाना सुनो तो कितनी मिठास है। ओह ये एगो छोट लड़की डूबल रहे अपने रियाज में। आँख जब से लड़ल प्यार के रोग भइल आँख जब से लड़ल प्यार के रोग भइल। ओके थैंक यू। बेटा कहीं जाके गाना सीख ले। बनारस भी आई थी। दूसरा गाना तीसरा गाना सुनने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें अगर लगता है कि दूसरा गाना गा सकती हो तो गाओ। जब साथ देवे के ना रहे बेटा सुर नहीं लग रहा है गाने का, आप जाने दो। मैं जब गाने गई तो मुझे बहुत ही प्यास लगी थी। मैं सोची पानी पी लूँ लेकिन कहीं नहीं मिला। और जब मैं गाना गाई हूँ तो प्यास से और घबराहट से पता नहीं क्यों मेरे सुर भटक गए या फिर मुझे नहीं मालूम मैंने क्या गलती की। मेरी पूरी फैमिली का यही ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूँ। मैं मेहनत भी करती हूँ लेकिन कुछ कमी नहीं होगी मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर एक और मौका मिल जाए सर गाने के लिए तो ठीक रहेगा। छलक पड़ल आंसू का धार। यह आंसू के शांत करे खातिन हम इतने कह सकीला कि मन के हारे हार है हर मन के जीते जीत फिर से सजाल स्वर आपन फिर से गावा गीत। कुछ ऐसने गया में भी हो रहा जहां हमरा के आपके लेके चले के पड़ी। पवित्र पावन नगरी गया। हम आलोक कुमार सभी भोजपुरिया दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और जहां हम अभी खड़े हैं ये गया के महाबोधि मंदिर जो कि यहां प्रचलित मंदिर है। अब हम यहां से चलते हैं महावीर इंटर कॉलेज कि वहां ऑडिशन देने के लिए कितने प्रतिभागी लोग आए हुए हैं। बोले सुर संग्राम की बिहार के ढोल फलाम टू के ऑडिशन में आज बिहार में हो रहा है गया में। गया में इतनी भीड़ है महावीर इंटर कॉलेज में धूप में ऑडिशन देने के लिए लोग खड़े हैं। और हमारे जज साहब सतीश सर बहुत जल्द ही आने वाले हैं जो कि सब प्रतिभाओं को देखेंगे और वो चुनाव करेंगे मुंबई के लिए। चढ़ल जवानी जब सिसिहारे बदन मा गजबे भरला गुद गुद मोर मन मा चढ़ल जवानी जब सिसिहारे बदन मा गजबे भरला गुद गुद मोर मन मा। सर को पसंद आया मेरा गाना। इस प्रोग्राम का अच्छा बात यह है कि जो मतलब मनोज तिवारी जी हैं और जो भी सिंगर मतलब इसमें आते हैं ऑडिशन लेने के लिए उनका ये अच्छा बात है कि
कितने भी छोटे छोटे गांव के या कहीं भी जितने भी लोग आते हैं उन सबको ऑडिशन लेते हैं। हेलो, आई एम विक्रम एंड आई एम फ्रॉम गया। मैं मानपुर कालीपगर से आया हूँ और मैं यहाँ सुर संगम का ऑडिशन देने आया हूँ। हाँ, मैं भोजपुरी सॉन्ग भी गाता हूँ। ना ही जयपुरिया हाई, ना ही जबलपुरिया, ए गोरिया हमहो, ए गोरिया हमहो, ए गोरिया हम हई, खाटी भोजपुरिया बबुआ। चलिए, थैंक यू, गड़बड़ा हो जाए। हे दिन वासु दिन वाके भेदिया भुलाई दा, दिन वासु दिन वाके। चलिए, थैंक यू। कुछ के सुर लगल त कुछ के ना लगल, फिर भी संतुष्टि ना रहल। मैंने भोजपुरी की कोशिश की, थोड़ा सा गाया बट अच्छा नहीं रहा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी भोजपुरी पे। हमको दुख इस बात का है कि वो लोग सुने ही नहीं, कुछ सुने ही नहीं। कैसा लगेगा जब आपको बोलेगा कोई की गाई है और जब जैसे ही शुरू ही किए बस बोले चाहिए। एक बहुत बड़ी शिकायत रहे हमनी के ऑडिशन में जो हमरो सुने के पड़ेला कि भैया जैसे ही शुरू कर ली तो नेक्स्ट। सुर संग्राम हमें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गाना हमें बहुत पसंद है और अपनी धरती अपनी माटी का भोजपुरिया गीत वो तो पूछने ही की बात नहीं है। हमरे खातिर तो हरा के नेक्स्ट पिया बसे परदेश नगरिया जिया घबराला हो। ठीक है, नेक्स्ट। जइयो रे चंदा जइयो तूने कासे कहियो मिलन। अखिलेश कुमार। लैका बूढ़ो सयान सब कहल समान, हमार फेल हो जाता सारा बुद्धिए राजा, हा बड़ा चोलिया में होता हा गुदगुदिए राजा। पूरा गाने का सर हम लोग को चांस नहीं मिल रहा, अभी एक शब्द ही हम लोग शुरू किए थे और तब तक अब ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। ऐसे कहीं ऑडिशन होता है, ऊपर से आने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। अरे यार, टाइम दिया गया था 7 बजे का और टाइम दिया गया था 7 बजे का और टाइम 1 बज गया है, ऑडिशन देने गए तो पता चला कि नेक्स्ट नेक्स्ट जाओ यहाँ से, हो गया जिसका होना था हो गया। अब तो क्राउड इकट्ठा किया गया है, महुआ चैनल जितनी हम लोग प्यार से देखते थे, हम तो पागल है ना कि उतनी दूर से आए हैं यहाँ पे। सुर संग्राम के ऑडिशन के दौरान हमनी के स्थिति, साईं बाबा, महुआ टीवी, मनोज तिवारी, ये स्थिति हमनी के कंट्रोल रूम टाइप के बाटे। हमार रिपोर्टर बाड़े मोहन और आलोक, कहीं से पता चलल बहुत अच्छा बाड़े लोग, गया से पता चलल शुरुआत में कि बहुत अच्छा लोग नहीं खे आवत, लेकिन अच्छा लोग मिलल। ऊंचे जंगल पहाड़ लागे जो अच्छा होता है अपने आप सर चढ़ के बोलता है, उसमें कहने की क्या बात है यार। नहीं सर, नहीं सर। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा भइल ह। देखी दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, बहुत धक धक कर रहा है कि आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अब तो जज के हाथों में है। हम चाहता नहीं कि हमारे लड़का हमार नाम रोशन करे, हमारा भोजपुरी के नाम रोशन करे। आपकी वॉइस में भी अच्छी बैलेंस वॉइस है बट जो लाइन आप पेंट करते हो वो सुर से अलग हो जाता है। अभी हम अपन ऑडिशन दे ली हाँ, जज अच्छा पॉजिटिव कमेंट दिला हन कल हन की अच्छा आवाज बा, बहुत खुशी भेल अपना आप में मिलके। अच्छी वॉइस क्वालिटी है तुम्हारे पास। थोड़ा सा घबराहट बा अब आगे राउंड में जाए खातिर, लेकिन अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बा कि देखिए अब आगे का होता। हरे आवे वाला बा फैसला के घड़ी। रवा सब अपने टीवी के सामने बैठ के जितना बेसब्र बानी जा ओकरा से ज्यादा हम बानी। लड़का बाड़ा सन, पार्टिसिपेंट बाड़े, ओकर गार्जियन बाड़े, लेकिन हम बता रहल बनी आप लोगन से कि किकरा संगे का भइल गया और बलिया के रिजल्ट रउरा सामने बाटे।
जितेंद्र कुमार आपको चांस मिल गया। थैंक यू सर। विशाल आ गया, बहुत अच्छी बात है। ताराकांत दुबे आओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। नीतू, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। साधना जी, वी आर वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी ऑल द बेस्ट अगले साल के लिए। ओके, थैंक्स। आप तीन लोग को बलिया से सेलेक्ट किया गया है, तो देखिए यूपी की लड़ाई लड़े के बाद, ठीक ना? सुर संग्राम के टू में गया से चुने हुए हमारे पांच योद्धा जो कि आप लोगों के सामने हैं यूपी को टक्कर देने के लिए। हम बिहार के आन आवत हैं टक्कर देने यूपी वालों के। जे जे सेलेक्ट भेल गया और बलिया से ओकरा के बधाई अभिनंदन सम्मान। हम अब करब कलकत्ता के प्रस्थान, लेकिन ओकरा से पहले लेब एक छोटा सा युद्ध विराम। सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध आप खातिर, और हम यह स्वर मंथन में आपके लेके चल रहल बानी नोएडा। नोएडा के उमंग, नोएडा के तरंग कमाल की रहे। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं बिहार नालंदा से हूँ। सुर संग्राम द्वितीय में जाना चाहता हूँ और मुझे ये सपना है कि मैं ये पूरा कर सकूंगा। मेरा नाम सारिका चौरसिया है, शायद फाइनल ऑडिशन तक आ जाएं। सुर संग्राम द्वितीय में कुछ ना कुछ तो करके गुजर जाऊंगा। मैं सुर संग्राम के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं भी कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती हूँ। बाहर के प्रतिभागियों का उत्साह बेमिसाल रहे। हमनी का उद्देश्य रहा बेहतरीन आवाज। नोएडा के ऑडिशन में कुछ ऐसन लोग के दर्शन भइल हमनी के ऑडिशन खातिर जिकरा भोजपुरी नहीं खे गावे आवत, जे भोजपुरी जानते नहीं खे, लेकिन वो सिर्फ एक खातिर आवल चाहता कि ओकरा के सुर संग्राम अच्छा लागेला, सुर संग्राम के कुछ लोग अच्छा लागेले, भोजपुरी गीत अच्छा लागेला। एक्चुअली मुझे भोजपुरी गाना आता नहीं है, आई एम जस्ट लर्निंग, सो हिंदी में मैं गाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। मेरा नाम चारू है, मैं हाथरस यूपी से हूँ। जब तक पूरे ना हो मेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। ठीक बात, थोड़ा सा और रियाज कर लो। चाचलली मतवाली बगल वाली जान मार ली, हो बगल वाली जान मार ली। सुर संग्राम की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। पिछले साल जो हुआ था सुर संग्राम, वो काफी हद तक बिहार और यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया में। मेरा ले कसवा में। ठीक बा, थोड़ा सा और रियाज कर लो। पतली मोरे कमरिया जी, पतली मोरे कमरिया, जैसे लचके हैं अम्मा की डार, ए राजा जी। हीरोइन बने के जब देखा तारू सपना, एक बात मन में बैठा ल तू अपना। कपड़ा उतर परी डोली दिखावे परी, पैर के पैरी मिनी एस्कॉर्ट, यदि बारो तैयार बड़ी बोला फटाफट। मोहन जब नोएडा ना आई गेल तो हम जननी की डरा गेल कि कोई जाट सिंगर ना आवे। एगो जाट सिंगर आयल, और सिर्फ आयल ना ही बल्कि वो छा गेल। नेहा वर्मा, आलू बेलावा मरा देवा के दी में हरी, बेलावा मरा देवा के दी में हरी। 5 बजे आप आइएगा सेकंड राउंड में। आई थिंक मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ ऐसे सोच ही नहीं रही कि नहीं होगा, होगा होगा होगा। हम लोग सुबह 6 बजे से आए हैं और यहाँ 12 बजने वाला है, और कोई मतलब अभी तक हम लोग का नंबर नहीं आया, हम लोग बहुत परेशान हैं। जब तक ये लाइन रहेगी, जब तक हमारा ऑडिशन नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि सुर संग्राम में आए हैं, क्योंकि हम सुर संग्राम में ऑडिशन के लिए आए हैं, ऑडिशन करके ही जाएंगे। धूप में अगर हमारी जान भी चली जाएगी ना, तो जान दे देंगे भैया धूप में, लेकिन हम लोग दे के ही जाएंगे ऑडिशन यहाँ पे, चाहे जो हो जाए। मेरा नाम सुमित है, मैं सारिका चौरसिया जी का हस्बैंड हूँ। जब हमारी सगाई हुई उसके बाद हमें पता चला कि इन्हें सिंगिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, ऐसे ये वेल क्वालिफाइड है, ये इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है, प्लस ये HR में MBA भी कर रखा है इन्होंने।
पर जब उन्होंने कहा कि मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उन्होंने कहा फिर जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंगिंग में अपना कैरियर बनाइए। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, जॉब की हो दाता ऐसा ही की जो। 5 बजे आप आइएगा सेकंड राउंड में। तय गो माता जी के भी रहे महुआ से नाराजगी। नाराजगी यही बात की है कि मनोज तिवारी जी बूढ़े हो चुके हैं और कल्पना जी का एज हो गया है, मालिनी जी का एज हो गया, वो लोग हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं गाना गा के अपना मतलब शौक पूरा कर सकती हूँ। मुझे भी जाना है, मेरी को अभी जाना है, मैं जज से अभी बात करूंगी। शो में तो हो सकता है आपको नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि 30 साल तक के बच्चों के लिए हो रहा है। नहीं तो आप उम्र बढ़ाओ, कम से कम 50 आपको रखना पड़ेगा, ये हमारे तरफ से आपको इजाजत है, ये आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल ही बम्बई तक, मनोज तिवारी तक, मालिनी अवस्थी तक ये बात आपको पहुंचाना होगा। हमने के जरूर कोशिश कर जाई। हमारा नाम नम्रता है, वैसे तो बेसिक हमने बना सासाराम के रहे वाला बानी, लेकिन हमने काफी साल से एजा गाजियाबाद में रहत बानी। नानी नानी उठावा से पट के ललैया हो के रस चुरैया, नानी नानी उठावा से डर से ललैया हो के रस चुरैया। 5 बजे आप आइएगा। जजेस के रिएक्शन जैसन रहे ओकरा से तो लागत बा कुछ कुछ हो भी जाए, कुछ कुछ नहीं हो। कियास निरास जगत के संगी, मत हो खा परेशान, आगे के सुधिले चला, बड़का होई उड़ान रे भैया, बड़का होई उड़ान। नोएडा में कुछ ऐसा लोग मिलल। ये ऑडिशन जो हुआ है इसमें से जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इन सभी को हम लोग बुला रहे हैं यूपी के ग्रैंड ऑडिशन में और बिहार के ग्रैंड ऑडिशन में। चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। सुशांत, सुशांत आपको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है यहाँ से, ठीक है, आ जाइए आप आगे आ जाइए। नेहा वर्मा, तुमको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। नम्रता जी, असफलता कुछ प्रतिभागियन के झकझोर दहलस। बिहार से यूपी वालों के दिन दुरावे खाते। बिहार वालों अब नहीं चलेगी तुम्हारी अकड़, क्योंकि सुर पर है हमारी ज्यादा पकड़। नोएडा में सेलेक्ट लोगन के भी बधाई। हर शहर के अपन कहानी बा, सबकर अपन अपन जुबानी बाटे, और हमरा ई देखे खातिन उतने ललक बटे जितना आप लोगन के ललक बटे टीवी के सामने बैठ के तुरंत बताए कि कलकत्ता के का भेल रिजल्ट। लेकिन ओकरा से पहले लेब एक छोटा सा विराम। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी है पिया, अरे ले ले आईहा हो पिया नथिया बंगाल से। निस्ले एवरीडे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध में हमनी के कलकत्ता जा रहल बनी जा रिजल्ट जाने खातिर। ओह कलकत्ता में न जाने कितने लोग गैल भोजपुरी वाले लोग, ओकर मेरारू नथिया मंगैलस, कुछ लोग तो भेजवावल, कुछ लोग अइबे नहीं कैलस, लेकिन रिजल्ट आयल बटे, बहुत अच्छा आयल बटे, सुरीला आयल बटे, आप लोग के सामने बटे। भोजपुरिया का दूसर का घर कलकत्ता। हमके बहुत अच्छा लग रहा सुर संग्राम। हमने का सब गायक बने खातिर एजाइल बनी, भोरे 5 बजे से खड़ा बनी, हावड़ा स्टेशन में रात बितेल बनी, तो कुछ ना कुछ जरूर मिली।
सुबह 8 बजे से यहाँ खड़ा बनी। हमारा नाम तूफान है। हमारा नाम इंदु गुप्ता है। ऑब्वियसली हमार यूपी जीती, ये हमार देश का शान बा। हमने सुबह 5 बजे से खड़ा बने जा, बहुत गर्मी बाटे, लेकिन क्या करिया, कुछ बने के खातिर कुछ खोए का पड़ेला। उत्साह के बीच शुरू भइल कलकत्ता का ऑडिशन। जातने हमर बोलाटा आयल बा ऊपर परीक्षा देवे खातिर, भोजपुरी गा के अब देखावे के बा कुछ, अपना प्रदेश के शान बढ़ावे के बा। निमिया के डर मैया, निमिया के डर मैया, लेवेली असनवा की झूमि झूमिना। हमार नाम शिल्पा शर्मा हो, हम मसूर संग्राम में आए ही गाना गाओ बदे। साफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, लेला आरा लिपस्टिक, लॉलीपॉप लागे लू कमरिया। मुझे भोजपुरी बोली नहीं आती है, इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। एगो नेमुआ दू चार गो मिर्ची लटकाला। कोलकाता एगो ऐसा नगरी जहां अपने अधिकार के लेके लोग बहुत सजग रहेला, और उ सजगता हमनी के सुर संग्राम के ऑडिशन में भी लोकल कुछ लोग आंदोलन कर देलस। काहो गोपाल कूद पड़े जमुना में, दावा कर देलस कि सुर संग्राम में तो सब बेसुरे गावेलस। मनोज तिवारी बहुत बड़े सिंगर बनते, क्या जानते हो संगीत के बारे में? आके महुआ में जितने लोग हैं, महुआ दिनेश लाल यादव या मनोज तिवारी, कौन से लोग संगीत में हैं बताइए, जिनका संगीत का इतना अच्छा। हमनी के जज अजय उनका के टाइम दिहले, वापस बुलाइले, बाकी तो आपके सामने ही बाटे। हर केहू के लागत रहे कि उहे सबसे बढ़िया बा। जो जो असंतुष्ट है अभी वापस आएगा, आइए वापस सुनते हैं। समझदार होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर कमी है। जिनके अंदर समझ कम होती है या कलाकार नहीं होते हैं, वो इसी तरह की उलूल जुलूल हरकतें करते हैं। गाइए गाना। बहिया पकड़ के भरे अकवारी, चुमेला होठवा गुलाबी। आप बताएं, का इनके कारण कलकत्ता में ऑडिशन बंद कर जाओ? गाई के गोबर यही आता है तुमको? एक ही टाइप का गाना आता है? एक ही टाइप का कैसे है? प्रणाम, आइए आगे बढ़िए। उठेला पत्नी के अंदर अगर कुछ काबिलियत बढ़े तो ओकरा के उठावे खातिर रउआ सब थोड़ा मेहनत करी जा, तभी अच्छा पति बनी जा। एगो अच्छा पति मिलने हमनी के कलकत्ता में। ओफ, हमारा कहना का ये मतलब है एडिशन ही बंद कर देना चाहिए, फिर बंगाल बिहार का नाम नहीं है ये। चला 150 में 3 ही सिंगर है, आपको नजर आता है। जब शुरू के लिए आंदोलन तो हमनी के लगल कि ये के बानी ऑडिशन देवे खातिर, बाद में पता चल रही है कि अपने पत्नी खातिर आइल बानी। वाह, आपके बहुत धन्यवाद। लेकिन इनकर अलगे बा कहानी, मेहरारू रहे झांसी की रानी। हमार पत्नी हमारे संगे बा आइल बड़ी तो सुन नहीं सकी, आज ऑडिशन बटे तीन का हम लेके आइल बनी अपन ड्यूटी छोड़ के। गाइए। आंख जब से बोलड़ल प्यार के रोग भइल, रवा मिल गई नी हमें अजब संजोग भइल। आंख जब से बोलड़ल प्यार के रोग भइल। ठीक, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ये पूछत रही कि अब हम संतुष्टि बानी कि का रिजल्ट देते। आप ये गाना सुने हैं कल्पना जी का? ऐसे ही है गाना। थोड़ा से बीच में गड़बड़ी ले बड़ी हम जान, खाली बीच में। हाँ, शुरू में आखिर में सब निमन गली। हाँ, ना रुका, शुरू में तो अंतरा तो ठीक है गई हमारे अंदाज से, जिसे एक्चुअली हमारा गाना को उतना जानकारी नहीं खेबा। तो भाई मेरे यही तो बात है कि आपको जानकारी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। इतने की बोला कि ना हमार हो जाए चाहिए और सब आदमी चल जाओ। जब शुरुआत ही कोई अच्छा नहीं करेगा तो अंतरे के लिए कौन वेट करेगा? आपको सुर दिया जाए तो उस सुर में आप गा देंगी? ठीक है। आँख जब से बालड़ल प्यार के रोग भइल।
वो हम जान पर ही लोग कितनो बढ़िया के कोई लोग ना उठाए गोली मारो चलो सुना अरे भाई आप लोग क्या यहाँ तू अपने गाना गा दो ना बाप रे बड़ा सुर वाला भाई बड़ा हंसला तो दतवा तू हंसी विनोद हास्य आंसुओं के बीच कलकत्ता के रिजल्ट हो गिल तैयार। माँ काली के दरबार, ओह माँ काली के दरबार में सुर के रहे बहुत बड़ा बड़ा सरोकार, आगे का भइल रो रे आगे बाटे सरकार। मानसी अगर एक का सिलेक्शन हुआ तो तुम किसको आगे भेजना चाहोगे? जिसको बोलते उसको आगे भेज दें। चलो ये अच्छा गाने थे, चलो उसको भेज दिए। चलो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मानसी तुम अगले राउंड के लिए जा रही हो। संतोष तुम नहीं जा रहे हो। रमेश हाँ सर बोले। आपको भी सीखना है अभी। बाकी चार लोग आगे राउंड के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सर। कलकत्ता से भी चुनल गईलन कुछ सुरीला कलाकार मुंबई खाते। ऑडिशन के घमासान में हमने के आपके देखा नहीं जा बनारस, रांची, गया, बलिया, कलकत्ता और नोएडा। ए स्वर मंथन में जितना कलाकार मिलने, जितने मुसीबत से मिलने, जितने अच्छा मिलने, ओकरा पर आपके भी गर्व बा, हमरो गर्व बा। रहुओ बधाई देही, हमू बधाई देता नहीं, लेकिन इतने से हमनी के कार्य पूरा नहीं के होके वाला। अभी ऑडिशन के एक से एक कहानी, एक से एक एग्जाम्पल, एक से एक अनुभव लेके हमनी के चलल जाई। जब हमनी के पहुंचल जी पटना, लखनऊ, मुंबई, लुधियाना, छपरा, भागलपुर आदि आदि शहर, लेकिन ओकरा खातिर आपके इंतजार करे के पड़ी एक और दिन के। हम अपने अगले ऑडिशन राउंड के लेके फिर आपके सामने आई और तब कहब कि फिर से विदा ले रहल बानी और स्वागत खातिर खड़ा रहब अपन कार्यक्रम लेके नेस्ले एवरीडे सुर संग्राम द्वितीय महायुद्ध। बोलिए जय बिहार। सुर संग्राम के छिड़ल बजंग जीती बिहार वाला यही से बात दिल में उमंग तसत चुकल बाटे सुर के अखाड़ा। देखते हैं कि यहाँ से अब की बार कितनी प्रतिभाएं आती है। कोई भाव नहीं है गाने में, आपका गाने में कैरियर नहीं है। आप कर जा सकते हैं। वेरी गुड सिंगर।